एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए आप लोग जिस जिनके लिए जिनकी मोहब्बत में आए हैं, थोड़ा सा अनुशासन बना के खामोश रहिएगा तो उनकी बातों को ठीक से सुन पाओगे आप लोग। आज की शानदार मीटिंग में हम सब के और आपके हार्दिक अजीज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे मित्र आपके अजीज हमारे भाई और यहाँ के लोग खड़े हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सभी को देख रहे हैं, आप लोग अनुशासन बनाए रखे कि मीडिया के लोग जो है अच्छी खबर आपकी बनाए, जो इतनी बड़ी तादाद में आप सब इकट्ठा हुए हैं। अब मैं चाहूंगा हम सबके हार्दिक अजीज प्रत्याशी सड़क से लेकर सदन तक तब दोनों मजलूमों की आवाज उठाने वाले आदरणीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी को मैं दावत दूंगा और ये कहते हुए कि 4 तारीख को इंशाल्लाह आप सांसद कहलाएंगे, आपको आजमगढ़ की जनता सबसे बड़ी जीत दिलाने जा रही है। कितना सौभाग्य की बात है, कितनी जिम्मेदारी की बात है, हम तैयार हैं अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी क्षमता के साथ निभाते हुए आजमगढ़ के लोगों आपके मान आपका भरोसा दिलाता हूँ। आजमगढ़ के मेरे भाइयों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूँ, जब आप सबका आशीर्वाद लेके दिल्ली की लोकसभा तक पहुँचूंगा तो उस लोकसभा के अंदर सबसे नेताजी की नीतियों में आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश के आरक्षण को जो बचाव बढ़ाने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सबको सुन रहे हैं, एक एक्सीडेंटल हार को ये बीजेपी के लोग जो तंज कस रहे हैं, इनको ऐसा पलट के जवाब देना कि बीजेपी के लोग कभी आजमगढ़ के बारे में सोच भी ना पाए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं करोड़ों दिलों की धड़कन, गरीबों मजलूमों की मजबूत आवाज, पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी परचम लहराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दावा देता हुआ है और जनता को संबोधित करें। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश। अभी तक जो जनता का गुस्सा नजर आया है, ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता जा रहा है और जब 7वें चरण में पहुंचेगा चुनाव, तो जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे, जिन्होंने कहा कभी के आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई, और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में। न केवल लागत बढ़ी है बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा। इन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमारा गरीब और किसान केवल लाखों में कर्ज लेता है। इन्होंने 26 लाख करोड़
अभी तक बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया पिछले 10 साल में, लेकिन उसके 10% भी अभी किसानों का कर्ज जो माफ नहीं हुआ है। जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वही फौज की पक्की नौकरी दिलाने का काम भी हम लोग नौजवानों से करेंगे। इनके 10 साल में हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे उनकी कोई बात जमीन पर नहीं उतरी। और इनका एक एक अगर हम फैसला देख लेंगे तो फैसला जनता के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों ने महंगाई बढ़ा दी हो, बेरोजगारी बढ़ा दी हो, और जो लोग यहाँ पर है वो खुद महसूस करते होंगे कि इनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। यहाँ जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं वो जानते होंगे, जब खाद खरीदे होंगे तो इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, 10 किलो की चोरी हो रही है। यहाँ किसान भाई होंगे वो जानते होंगे, डीएपी खरीदने गए तो इन्होंने जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी, और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवाई क्योंकि इन्हें कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना था। इन्होंने भरोसा दिलाया था कि नैनो यूरिया के बाद किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। ना पैदावार बढ़ी, ना कोई खेती को लाभ पहुंचा। और सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो बनाने वाली कंपनी भी और वो साइंटिस्ट लोग भी भारत छोड़ करके चले गए।